गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, वी आर स्टार्टिंग 13 चैप्टर पेड़ पर बिताए 3 दिन। बच्चों, आपने देखा होगा कि जब हम पर कोई परेशानी विपत्ति आती है तो अधिकतर ऐसा होता है कि हम अपना धैर्य और साहस खो बैठते हैं, जबकि हमें ऐसा बिल्कुल भी नहीं करना चाहिए। विपत्ति आने पर मनुष्य अपना धैर्य और साहस खो बैठता है, परिणाम स्वरूप वह एक बड़ी विपत्ति बन जाती है। मतलब छोटी सी परेशानी भी बड़ी बन जाती है जब हम अपना धैर्य और साहस खो देते हैं। शांत चित्त से सोचने पर उस विपत्ति से छुटकारा पाने का कोई ना कोई रास्ता निकल ही आता है। यही एक शिक्षा इस पाठ में दी गई है कि एक गरड़िए का लड़का है जो गाय बैल को लेकर जंगल में जाता है और उनको गायों को छोड़कर वह एक झरने के किनारे मछलियों को पकड़ने में लग जाता है। वह रोज़ ऐसा करता है और जब अंधेरा होने लगता है तो वह सभी गायों को गिनकर वापस लेकर घर आता है। एक दिन ऐसा होता है कि उसको एक गाय नहीं मिलती है और वो ढूंढते ढूंढते बहुत देर हो जाती है। वो जंगल में अंधेरा होने लगता है और वह जब तक गाय नहीं मिलती वो घर वापस जाने के बारे में सोचता भी नहीं है। इस तरह से उसको वह रात वहीं एक पेड़ के ऊपर बैठकर काटनी पड़ती है। एक दिन, दो दिन, तीन दिन, इस तरह से वह 3 दिन तक उस पेड़ पर ही रहता है, क्योंकि जब पहले दिन पेड़ पर रुका तो उसको वहाँ नींद आने लगी और जैसे ही उसकी आँख खुली उसने देखा कि पेड़ के नीचे एक शेर बैठा हुआ है जो उसको खाने की कोशिश में है। वह बहुत डर जाता है। दूसरा दिन सवेरा हो जाता है लेकिन शेर जो है वो उस जगह से एक तिल भर भी नहीं हिलता है। तीसरे दिन भी ऐसा ही होता है। अब वो भूख और प्यास के मारे परेशान हो जाता है लेकिन नीचे अगर उतर सोचता है कि अगर वो नीचे उतरेगा तो उसको शेर खा लेगा। अचानक उसको एक तरकीब सूझती है और वह पेड़ की बिल्कुल चोटी पर चढ़ जाता है और अपनी धोती खोलकर हवा में उड़ाने लगता है कि शायद किसी की नज़र उस पर पड़ जाए। अचानक वह खुशी से उछल पड़ता है और एक आदमी झरने के पास खड़े हुए उस उड़ती हुई झंडी को देख रहा होता है। उसे अचंभा हो जाता है। वह उस लड़के को देख लेता है और वहाँ पर ज़मीन कुछ नीची थी। वह उस लड़के को पेड़ पर बैठा देख लेता है। उसे ख्याल आता है कि अगर ये मुझे यहाँ से उतार लेगा या मुझे यहाँ से बचा लेगा तो किसी ना किसी तरह से मैं अपने घर पहुँच जाऊँगा। इस तरह से वो आदमी और कुछ लोगों को इकट्ठा करके कर लेता है और नीचे आकर वो लोग उस शेर को देख लेते हैं और शेर को पकड़ लेते हैं। इस तरह से उसकी अपनी समझदारी और कोशिशों से उसकी जान बच जाती है। थैंक यू।